कि जही आया जब तहर ऑर्डर हो जाई तो जान हो तहरेला मर्डर हो जाई। इस गाने के ऊपर समझिए कि विवाद भी चल रहा है। हाँ। छोटू शिकारी कहते हैं हमारा है, टुनटुन यादव कहते हैं हमारा है, आप कहते हैं हमारा है, आखिर यह है किसका? आपने उनका सुनकर के गाया है या आपका सुनकर के वो लोग ने गाया? अभी हम ना बता सके कि हमारा सुन के भी बोले कि उनका सुन के हम गए, हम ये जानते नहीं कि हम केको सुन के ना गए नहीं, हमारा गीतकार गीत दिलास लेके अपन गा देला। कितने महीने पहले आपने इसका रिकॉर्डिंग किया? हम 1.5 से 2 महीने पहले गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 1.5 से 2 महीने पहले आपने रिकॉर्डिंग किया था। टुनटुन जी का अभी हाल ही में आया, लगभग 1 महीना के अंदर अंदर ही आया है। हमें नहीं हो गया आज की गीत ना रिलीज का होला, कबो कबो ऐसा माहौल हो जाला कि एक ही गीत या 2-3 जगह से आ जाली सब लड़ जाला, लेकिन गीत आदमी पहले ही गौले रहे। टुनटुन जी का भी रील पर चल रहा है, छोटू शिकारी का भी चल रहा है, तीनों के गाने को ऑडियंस भर भर के प्यार दे। चले चले के चाहिए हर कोई के प्यार आशीर्वाद देवे के चाहिए, हमें नहीं कि हमरे चले सब कोई के तीनों आदमी के चल रहा था, अच्छा बात चले के चाहिए। जैसे पवन जी और खेसारी लाल जी दोनों आदमी मिल गए हैं, भोजपुरी का जितना बड़ा विवाद था वो खत्म हो गया, दोनों भाई बड़े भाई छोटे भाई मिल गए हैं, कैसा लगा पर्सनली देख करके? नहीं अच्छा लगा, मिले के भी चाहिए और मिल के अपन काम करे के चाहिए। भोजपुरी के देखिए वो लोग बहुत बड़ा चीज़ वाले भोजपुरी खाते, वो उस ऊर्जा से बड़ा कोनो जगह नहीं है, तो मिल केल वालों का बढ़िया बढ़िया काम करो लोग। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही अच्छे सिंगर सोनू सरगम यादव जी हैं। भैया सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं जी? आपके बहुत बहुत स्वागत, बढ़िया बानी है। जितना भी स्टार न्यूज के श्रोता बने सबका की तरफ से हमारे तरफ से सब लोग के प्रणाम नमस्कार। भैया चाहेंगे जो सावन का गीत है सबसे पहले ये 2 लाइन गुनगुना दीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। ऐसे बा हर की बेरी बेरी कहेला सलाई दो दी तो कहेला जलाई दो कि धुआं कोयले बड़ लैकन के बिटोर के तजत बनी हम तहरा के छोड़ के ए राजा हो चिलमिया के फोर के। बहुत प्यारा गाना बा, त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से रिलीज बा, जनता लोग से ही है निहोरा गरम की आप लोग जाई और जाके देखी गाना के प्यार आशीर्वाद दी। नीमन चाहे बाउर बाउर बात तो कमेंट बताई, नीमन बात अभी सराहना दी। भैया ये गाना तो ऑडियंस इस गाने को तो भर भर के प्यार दे ही रहा है, दूसरा एक गाना जो है उस गाने को भी ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, तू जान हो तो रेला मर्डर हो। अच्छा हाँ, वो गाना बहुत प्यारा बा, अभी रील पर चल भी रहा बा, नए चैनल से रिलीज बा, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स बा, पब्लिक के प्यार आशीर्वाद वैसे रहे। हर की जही आया जब तहर ऑर्डर हो जाई तू जान हो तोहरेला मर्डर हो जाई। बहुत प्यारा गाना बा, पब्लिक के प्यार आशीर्वाद मिल रहा बा, आप लोग बस आप लोग भी प्यार आशीर्वाद दी। अच्छा इस गाने के ऊपर समझिए कि विवाद भी चल रहा है। हाँ। छोटू शिकारी कहते हैं हमारा है, टुनटुन यादव कहते हैं हमारा है, आप कहते हैं हमारा है, आखिर यह है किसका? अभी तो रियल बात किए जाना था कहाँ से आई, लेकिन गीतकार आदमी देलक, हम नहीं हो गया आज के गीत ना रिलीज का होला, कबो कबो ऐसा माहौल हो जाला कि एक ही गीत या 2-3 जगह से आ जाली सब लड़ जाला, लेकिन गीत आदमी पहले ही गौले रहे, लेकिन एक घड़ी जब देखल गया कि नहीं गीत ऐसा टाइप के पोस्टर हर जगह लॉन्च हो गया तो आदमी रिलीज कर दे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रील्स पे तीनों का चल रहा है, आपके भी ये भी रील्स पे चल रहा है, टुनटुन जी का भी रील्स पे चल रहा है, छोटू शिकारी का भी चल रहा है, तीनों के गाने को ऑडियंस भर भर के प्यार दे। चले चले के चाहिए हर कोई के प्यार आशीर्वाद देवे के चाहिए, हमें नहीं बात कि हमरे चले सब कोई के तीनों आदमी के चल रहा था, अच्छा बात चले के चाहिए प्यार आशीर्वाद। आपने उनका सुन करके गाया है या आपका सुन करके वो लोग ने गाया? अभी हम ना बता सके कि हमारे सुन के भी बोले कि उनका सुन के हम गए, हम ये जानते नहीं कि हम केको सुन के ना गए नहीं, हमारा गीतकार गीत दिलास लेके अपन गा देला। कितने महीने पहले आपने इसका रिकॉर्डिंग किया था? हम 1.5 से 2 महीने पहले गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 1.5 से 2 महीने पहले आपने रिकॉर्डिंग किया था। टुनटुन जी का अभी हाल ही में आया, लगभग 1 महीना के अंदर अंदर ही आया है और रील्स पे गर्दा उड़ रहा है, तो उसी टाइम छोटू शिकारी लाइव आता है और कहता है कि ये गाना हमारा है, टुनटुन यादव ने चुरा के गा दिया। अब काय नेशन हम देखे नहीं, अब तो 1-2 दिन में पता चलेगा कि आपके ऊपर भी इंजाम लग गया कि आपने भी गा दिया, क्योंकि आपका भी गाना रिलीज पे चल रहा है। हाँ चलत तो बा, सही बात बा, चल रहा बा, पब्लिक के प्यार आशीर्वाद मिल रहा बा, हर जगह गीत आवता चलत। लेकिन ऐसा क्यों होता है हर बार भोजपुरी में, अब अक्सर करके किसी न किसी पंच लाइन को लेकर के ये हो जाता है, कभी बड़ा स्टार के ऊपर अंजाम लग जाता है, कभी छोटे स्टार के ऊपर अंजाम लग जाता है, सब लोग अपना नया अच्छा क्यों नहीं करते? हो जाला देखिए, किनियो किनियो भोजपुरी बाज एवन सब एक परिवार के तरह, किनियो किनियो बात सुरागे ने उन्हें जाला तो वही में से किनियो किनियो आदमी हेर फेर कह के अपन कॉलेज थोड़ी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी का बदनामी होता है ना कि यार इसमें आ रहे दिन किसी न किसी के ऊपर चोरी का इंजाम लगता है। सही बात बा, ये बात आपके सही, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, आगे से सबको ध्यान रखना चाहिए, आपको भी ध्यान रखना चाहिए, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है कौन कौन से आने वाले हैं चाहेंगे अपने? अभी बहुत सारा, अभी तो सावन के माहौल बा, सावन के समय बा, तो ज़्यादा सावन क्या होता है लोकगीत भी आ रहा बड़ी सा, और अभी सावन के एक और गीत रिलीज रहे त्रिमूर्ति से, वही से रहे हर की जय जय कहिलु सवनमा में
ए हो धनी बाबा के भावना में कजरी वाला गीत या वही जे सुनबो करो। औरत के लाइन बा कि देव घर घूमबो करब कि हो राजा झूमबो करब। बहुत प्यारा गाना भाई हो और कंटिन्यू गीत आ रहा बड़ी सर। अभी साइड सॉन्ग आई त्रिमूर्ति से, बहुत बड़ा लेवल के साइड सॉन्ग आई। अच्छा, आपका एक गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, बहुत पहले की बात है, लगभग हमको लग रहा है कैसेट के जमाने का ये है। अच्छा। कागज समझ के गोरी हमारा के फार दे। सही बात भाई, कैसेट के जमाने के बहुत दिन, हम लोग 7-8 साल पुराना गीत था ये। चाहेंगे वो गाना दो लाइन गुनगुना दे। हर की दो दिन के कोई लो प्यार यार हमके बिसार दे लू, कागज समझ के गोरी हमारा के फार दे लू। बहुत प्यारा गाना रहे। साइड सॉन्ग देखिए क्या बाकी, साइड सॉन्ग में पब्लिक के ज़्यादा प्यार आशीर्वाद मिल रहा बात, आदमी ज़्यादा खोजेला सोनू सरगम से, उम्मीद ज़्यादा यही लोग रखेला लोग साइड सॉन्ग आवे, तो ज़्यादातर हम साइड सॉन्ग हमारे चैनल पर भी जाके देखम सोनू सरगम एंटरटेनमेंट पर, तो जितना साइड सॉन्ग बड़ी वह सब गाना के ज़्यादा व्यू बा। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, अंततः एक सवाल है कि अभी हाल ही में आपने देखा जैसे पवन जी और खेसारी लाल जी दोनों आदमी मिल गए हैं, भोजपुरी का जितना बड़ा विवाद था वो खत्म हो गया, दोनों भाई बड़े भाई छोटे भाई मिल गए हैं, कैसा लगा पर्सनली देख करके? नहीं, अच्छा लगल, मिले के भी चाहिए और मिल के अपन काम करे के चाहिए। भोजपुरी के देखिए वो लोग बहुत बड़ा चीज़ वाले भोजपुरी खाते, वो उस ऊर्जा से बड़ा कोनो जगह नहीं खे, तो मिल के वालों का बढ़िया बढ़िया काम करस लोग, छोटा कलाकार के भी आगे में बढ़े के उत्साह आता है। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके भी धन्यवाद। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।